फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे टनल डायोड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड है जो स्पेशल डायोड के अंतर्गत आता है। तो इसके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे और जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हम वो हम पढ़ेंगे। तो टनल डायोड को सबसे पहले हम कहते हैं एसआरके डायोड। तो जो भी बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे, बाकी लिखेंगे क्या है इंग्लिश में, आल्सो कॉल्ड एसआरके डायोड। एसआरके डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि एसआरके ने ही इसे डिजाइन किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसे रख दिया गया एसआरके डायोड। ये भी बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब टनल डायोड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस इसका होता है। तो एक हमारा होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस और एक होता है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो दोनों का मीन समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है प्रोपोर्शनल टू आई होती है, करंट बढ़ाने में वोल्टेज बढ़ता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ये वन अपॉन आई। कहने मतलब अगर वोल्ट करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा और करंट घटाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो उसमें जो पावर की आई होती है पी इज ग्रेटर देन जीरो, ये एब्जॉर्ब पावर होती है, क्या करता है रेजिस्टेंस हमारा एब्जॉर्ब करता है। जब नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है तो पावर क्या होती है हमारी, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मींस क्या होगा, वो सर्किट को डिलीवर करेगा पावर। तो जो एसआरके हुए जो साइंटिस्ट, उन्होंने जो एक सिंपल डायोड लिया, मान लीजिए एक सिंपल डायोड है पी और एन, तो ये ऑर्डिनरी डायोड पे उन्होंने क्या किया, डोपिंग की, डोपिंग हाई लेवल डबे हैवली डोप्ड किया, किसको, पी और एन को। दोनों को किया, तो जब हैवली डोप्ड किया जाता है तो उसे प्लस मार्क कर देते हैं मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ मार्क लिख देते हैवली डोप्ड। अब डोपिंग तीन तरीके की होती है तो वो भी लिखेंगे। तो जो हमने यहाँ पे ये मार्क किया है ये क्या बनेगा, क्या आपका टनल डायोड के लिए, ये किसके लिए है, टनल डायोड के लिए। जो पी प्लस और ये एन प्लस जंक्शन विद डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 1:10³। तो यहाँ जो डोपिंग की गई है टनल डायोड वो कौन सी है, 1:10³। तो बेसिकली डोपिंग जो है ये बहुत पूछी जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो डोपिंग जो है वो तीन तरीके की होती है, तो मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था डोपिंग कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली है मॉडरेट डोपिंग, इसे नॉर्मल या एवरेज बोलते हैं। तो इसमें जो कंसंट्रेशन यूज किया जाता है डोपिंग के लिए 1:10⁶ या 10⁸ यूज करते हैं। लाइटली डोप्ड में जो है, और देखिए जब मॉडरेट में किया जाता है तो पी और एन सिंपली लिख दिया जाता है, जब लाइटली डोप्ड में उसमें 1:10⁻¹ पी माइनस और एन माइनस से दर्शाया जाता है लाइटली डोप्ड को। और हैवली डोप्ड के लिए 1:10⁻¹³ पी प्लस और एन प्लस, एक्चुअली में यही डोपिंग टनल डायोड में की जाती है जो एसआरके ने यूज की थी। तो ये हमें याद रखना है और हमें ये नोटेशन भी याद रखना। एक्चुअली जो नॉर्मल डोपिंग होती है वो होती है 1:10⁸। मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड 1:10⁸, ये भी पूछा जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं,
टर्न डायोड का नेक्स्ट पॉइंट है कि हैवली डॉट डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये मैनी टाइम्स स्टेटमेंट में लिखा होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, आल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ टनलिंग इफेक्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टनलिंग इफेक्ट, जो पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बेसिकल ऑपरेशन जो है टनल डायोड का इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो इम्पोर्टेंट, ये फास्टेस्ट स्विच है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जो इसका स्विचिंग टाइम्स है वो पिको पिको सेकेंड में। इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो गैलेनियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है। यूज्ड मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टनल डायोड होता है एक निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये मोस्टली एग्जामों में पूछा ही जाता है कि कौन सी जो है निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो क्या कहेंगे टनल डायोड। एक और भी होती है वो हम यहाँ मार्क कर देते हैं क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो होती है UJT। इसका भी जो है रेजिस्टेंस क्या होता है वो नेगेटिव ही होता है, इसे बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हो सकता है वहाँ पर टनल डायोड ना दिया हो, क्या दिया हो UJT दिया हुआ हो, तो आप वहाँ पर UJT को आप चूज करेंगे क्योंकि UJT की भी करेक्टरिस्टिक सेम मिलती है टनल डायोड जैसी, क्योंकि उसका भी यूज जो है ऑसिलेशन के लिए ही यूज किया जाता है। टनल डायोड को नेगेटिव रेजिस्टेंस की डिवाइस ज़्यादा प्रॉपर होती है इन कंपेयर टू फास्टेस्ट स्विच। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टनल डायोड में पूछा जाता है कि उसकी डिप्लीजन बिट्स की वैल्यू पूछी जाती है क्या होती है। तो जैसे ही हम हाईली डॉप्ट करते हैं तो उसकी जो है डिप्लीजन जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, थिन हो जाती है, नैरो डिप्लीजन लेयर या थिन डिप्लीजन लेयर, इसकी वैल्यू पूछी जाती है कितनी होती है, सोएंगस्ट्रम टू 200 एंगस्ट्रम या कभी कभी वो सेंटीमीटर में पूछ सकता है 10^-6 सेंटीमीटर।
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टनल डायोड के बारे में पूछा जाता है। तो इसे हम ब्लैक बॉक्स में जो है मार्क कर देते हैं। ये वैल्यू भी पूछी जाती है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। तो जो टनल डायोड नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके सिंबल और इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। तो देखिए ये तो टनल डायोड है, तो इसके सिंबल ये है, कुछ पांच सिंबल जो हमने डिफरेंट डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए। बेसिकली ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर बुक्स में ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। और ये बाकी जो चार हैं ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत कम बुकों में ये दे रखे हैं। जनरली इसी पे ही एनालिसिस की जाती है, इस सिंबल पे। तो इसका जो एक इक्विवेलेंट जो सर्किटरी है, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट जो टनल डायोड है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि रेजिस्टेंस है नेगेटिव और उसके पैरेलल में क्या जोड़ा गया, कैपेसिटेंस जोड़ा गया। ये कौन सा होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, ये जो होता है जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है और सीरीज में क्या आर एस प्लस एल एस है, सीरीज है, लीड रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है वायर। तो इसमें इनकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है टनल डायोड जो पूछी जाती है, तो जिसमें हमें ये वाली ज़्यादातर याद रखना है। नेगेटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, -30 ओम होती है, और जो सीरीज की है वो रेजिस्टेंस जो आर एस है उसकी 1, और जो हमने जंक्शन लिया वो 20 पिको फैराड है, और जो इंडक्टर है उसके 5 नैनो हेनरी है। तो इनसे भी सर्किट से भी पूछा जाता है। जब भी टनल डायोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस ये तो सीरीज में लगा के क्योंकि वायर का होता है जो लेट्स, तो क्या होता है पैरेलल कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मान लीजिए कोई एक सर्किटरी है, ये सिंपल हमने जो है लोड ले लिया या सप्लाई कनेक्ट कर दी, तो एक हमने क्या लगा दिया, डायोड, टनल डायोड लगा दिया ये। तो जब भी ये टनल डायोड की जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा, हम ये वाला यहाँ पे ड्रा करेंगे तब हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। अब हम टनल डायोड के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे जो भी बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस, क्या उसके एडवांटेज है। तो पहला पॉइंट है जो वेरी स्मॉलर इन साइज, दूसरा पॉइंट है ईजियर टू फैब्रिकेट, इसे बनाना आसान है, जिसका तीसरा पॉइंट है लो कॉस्ट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में, और ये लो नॉइज डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पावर कंजम्पशन के बारे में, जो इंटरनल पावर कंजम्पशन होती है इसकी क्या नेग्लिजिबल होती है या नेग्लिजिबल पावर कंजम्पशन। तो जो हमने ब्लू से जो है मार्क किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं थ्योरी में टनल डायोड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है इसका स्मॉलर वोल्टेज स्विंग, और दूसरा है प्रॉपर आइसोलेशन नहीं है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। अब हम एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो नेट में पूछा गया था
थ्योरी में। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द टनल डायोड। देखिए थ्योरी पॉइंट पूछा गया था ये UGC नेट 2015 में इलेक्ट्रॉनिक साइंस में। तो इसका पहला जो है स्टेटमेंट में है, वन इम्प्योरिटी एटम इन 10³ एटम्स, बी ए वेरी हाई डोपिंग बोथ पी एंड एन रीजन्स, सी में वन इम्प्योरिटी एटम्स इन 10⁸ एटम्स, डी यूज एज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन जब स्टेटमेंट ज़्यादा लिखे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या उन स्टेटमेंट को फाइंड करते हैं जो इसमें से गलत है, फिर उन ऑप्शन में देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ है स्टेटमेंट जो है किस ऑप्शन में देखा, तो वो क्या होंगे हमारे जो गलत है वो तो हो ही नहीं सकते पॉइंट्स। तो देखिए पहले वाले पे चलते हैं, वन इम्प्योरिटी एटम इन 10³ एटम, तो ये पॉइंट सही क्योंकि इसमें डोपिंग कितनी की जाती है 1:10³, तो इसका मतलब यही है एक एटम में 10³ एक इम्प्योरिटी जो है एटम में कितने किए गए 10³ एटम्स यूज किए गए। उसके बाद बी वाला पॉइंट है, मैंने बताया कि ऐसा कि ने क्या किया हैवली डॉप्ट किया कौन पी और एन रीजन पी प्लस एन, तो ये भी पॉइंट हमारा क्या है सही है जो लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वन इम्प्योरिटी एटम्स इन 10⁸, ये हमारा पॉइंट क्या है गलत है क्योंकि ये किसके लिए होता है नॉर्मल डोपिंग के लिए होता है। तो मान लीजिए डी वाला पॉइंट नहीं आता हमको, एक बहुत सा होता है बहुत से वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, पहले हम इसको देखते हैं सी वाले पॉइंट को कहाँ कहाँ है। देखिए ए और बी में तो है नहीं, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे सही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गलत पॉइंट है, तो ये यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता, ये वाला यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता। तो कौन सा है फर्स्ट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस वाले पॉइंट, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे वन वाले पार्ट में उसका जो है ऑप्शन दे रखा होता है। तो हम उसमें से वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें वो गलत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर उस ऑप्शन पे जाते हैं जिसमें वो ऑप्शन वाला जो है स्टेटमेंट वाला पॉइंट किन किन में है। इस तरीके से देखिए मैंने बताया सी इसमें भी है सी इसमें भी सी इसमें भी है, तो ये क्या होंगे सभी गलत होंगे। कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। और एक बात देखिए यहाँ एक दो पॉइंट जो लिखे गए हैं ये तो पूछे जाते हैं टनल डायोड में ज़्यादातर, क्योंकि यही उनकी इसी से ही तो टनल डायोड बना हुआ प्रॉपर्टी से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।